फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल फिर से का आप लोग का स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं पोको के X4 Pro 5G फोन गेमिंग टेस्ट। देखने वाले हैं कि स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर कैसा है, जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ट है। और काफ़ी तारीफ सुनते हैं कि ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा गेमिंग वगैरह के लिए। तो चलिए हम लोग फ्री फायर गेम प्ले करके देख लेते हैं। और ये 1.69 MB का अपडेट है, इसको अपडेट कर देते हैं फटाफट से। कोई दिक्कत नहीं है, 5G नेटवर्क है, फास्टली हो जाएगा। और इसी बहाने हमारा 5G नेटवर्क का भी टेस्टिंग हो जाएगा और गेमिंग का भी, कि प्रोसेसर कैसा है, हीटिंग वगैरह का इशू है या नहीं। चलिए तो गेम प्ले करके देख लेते हैं। इसमें हम ज़्यादा गेम वगैरह नहीं खेले, वही आप लोगों को गेमिंग टेस्ट करके दिखाने के लिए इसमें फ्री फायर को इंस्टॉल किए हैं। लगभग 2-3 घंटा खेल के देखें और फिर से आप लोगों को उसके बाद बतला देते रिजल्ट। 2-3 घंटा खेलने के बाद में गेम प्ले करके अगर देखते तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हीटिंग वगैरह का इशू है या नहीं, सारा सच्चाई आप लोगों के सामने आ जाता है। तो ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दिया, नहीं तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं ग्राफिक हाई में मैक्स लेवल पर कोई दिक्कत नहीं है। FPS भी आप लोग हाई रखिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है, फोन यहाँ तक तो सपोर्ट करता है इस मामले में। अब हम लोग को देखना है लैग वगैरह का इशू या फ्रेम ड्रॉप का इशू आता है या नहीं। चलिए फटाफट से गेम को शुरू कर लेते हैं। क्लास स्क्वाड रैंक का तो गेम इसमें हम खेल नहीं सकते क्योंकि लेवल अभी इसमें वही 2-3 लेवल पे होगा। चलिए हमारा गेम शुरू हो रहा है। और एक बात कहना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं लाते रहूँगा। और जो लोग आप लोगों को एक चीज़ में बता देता हूँ, ये बोलता है कि ऑटो लॉक खुल जाता है या फिर कैमरा चालू हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, ये सब कोई इशू नहीं है। मैं फ़ोन को यूज कर रहा हूँ, मुझे अभी तक में कभी ऐसा फेस करने को नहीं मिला है। चलिए, और यदि जिसके भी मोबाइल में ये इशू हो, उनके पास भी हाल में अपडेट आया होगा, वो अपडेट कर लीजिएगा एंड्रॉयड 12 का, तो उसके बाद से आप लोग को वो इशू भी हट जाएगा। मैं इसको अपडेट करूँगा, एक बार आप लोग को गेम प्ले इसका दिखला देता हूँ, उसके बाद में अगर मुझे कुछ इशू लगता है तो मैं भी अपडेट करके देख लूँगा। और हम नॉक हो चुके हैं और आप लोग ग्राफिक देख सकते हैं कितना शानदार है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। गेम वगैरह का बात अलग है कि गेम प्ले उतना सही हमसे नहीं हो पाया क्योंकि नया मोबाइल पे हाथ मेरा उतना सही से नहीं बैठे रहता है। बट आप लोग देख सकते हैं ग्राफिक के मामले सुपर एमोलेड 120Hz रिफ्रेश है। आप लोग देख सकते हैं ग्राफिक काफ़ी अच्छा है, फोन चलने में भी बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट राउंड हार चुके हैं। तो जो लोग आप लोग को ये देखते हैं कि बहुत सारा यूट्यूब पर बताया कि पोको का फ़ोन ऐसा है वैसा है नहीं लेने के लिए, तो आप लोग ले सकते हैं। कैमरा की बात में ये कह सकते हैं कि डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा या ख़राब नहीं कह सकते हैं, नॉर्मल सही है। बट इस प्राइस रेंज में जितना फीचर्स ये दे रहा है, आप अदरवाइज कोई भी फ़ोन उठा के देख लीजिए, इसके टक्कर का मात्र ये 15,000 का 14,999 रुपये मुझे मिला था। और कार्ड वगैरह लगाइएगा तो आप लोग को 13,500 में भी मिल जाएगा। तो इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर स्मार्टफोन कोई भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं इस राउंड में क्या होता है। और अभी तक के हिसाब से मुझे कोई हीटिंग वगैरह का इशू भी नहीं लगा है, ना ही कुछ ऐसा। और आप लोग देख सकते हैं फ्रेम ड्रॉप वगैरह का, ब्राइटनेस कम ज़्यादा का, ये सब का कोई इशू नहीं है और कितना क्लियर एकदम दिखता है, साफ एकदम है, इस मामले कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर बंदा है और ये हम गए, यहाँ भी कोई नहीं। खेल में तो हार जीत होता रहता, वैसे भी हम लोग जीत चुके हैं, दिक्कत नहीं है। तो मैं कोशिश हर गेमिंग वीडियो में यही करता हूँ कि थोड़ा वीडियो तो लॉन्ग हो जाता है बट डिटेलिंग के साथ वीडियो डालूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। फोन यदि आप लोग गेमिंग परपेज से ख़रीदना चाहते हो तो अभी तक के रिव्यू के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आप लोग खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन में हीटिंग वगैरह बैक वुक से कुछ ऐसा नहीं मुझे लग रहा अभी तक में। और अब गर्मी का भी मौसम आ चुका है, ये भी नहीं कह सकते कि ठंड का मौसम, इसलिए तो जो अगर इशू वगैरह रहेगा तो ऐसे भी दिखेगा। तो गेमिंग वगैरह में हीटिंग का इशू नहीं है, बस चार्जिंग टाइम में नॉर्मल थोड़ा बहुत हीट मुझे लगा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन नॉर्मल मुझे लगा, हो सकता है फास्ट चार्जिंग का कारण हो सकता है, 67 वाट इसमें दिया जाता है तो, लेकिन नॉर्मल है वो भी बहुत ज़्यादा, इसका इशू नहीं कह सकते हैं। तो 1-1 से हम लोग बराबरी पर हैं। चलिए देखते हैं राउंड 3। जिसको देख के ये मैं समझिएगा टच काम नहीं करता, टच आपका प्रॉपर काम करता है, बस ये कैमरा के सामने फ़ोन को रख के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस कारण से मुझे थोड़ा सा
टच करने में इशू हो रहा है। देखिए कितना क्लीन है ग्राफिक, देखिए एकदम शानदार लगता है, लगता है जैसे आप रियल लाइफ में गेम प्ले कर रहे हैं वैसा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते हैं हो सकता है आप किल वगैरह मिले, थोड़ा थोड़ा हाथ बैठ रहा है। अरे भाई 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 अभी से क्यों हमला कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो मेरा 0 किल है लेकिन निकालेंगे अब किल। हमारे पीछे बंदा आएगा एक जो डैमेज दिया था, एक यहाँ पे है। तो ये भाई साहब गए, और एक यहाँ पे 2 किल हो गया, एक यहाँ पे 3 किल, ट्रिपल किल हमको मिल गया एक ही बार में, नहीं हो रहा था तो एक भी नहीं, अब मिला तो 3-3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गन वगैरह भी मेरा फेवरेट मिल चुका है, टेंशन नहीं है, अब किल प्रॉपर होगा। और अभी तक के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कोई डाउट नहीं है, ये फ़ोन आप ले सकते हो, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन होने वाला है, पोको की तरफ से एक बेस्ट स्मार्टफोन है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है। आप लोग यूट्यूब पर और वीडियो देखते हो उस पर नहीं जाइए, अगर मुझसे रियलिटी पूछिएगा तो मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ, मुझे इस फ़ोन में कोई भी ऐसा इशू नहीं लगा है, ना ही नेटवर्क का इशू है, ना ही कैमरा, गेमिंग के लिए प्रोसेसर, चार्जिंग, किसी भी तरह का आपको इशू वगैरह नहीं है। और गेम प्ले तो मैं आप लोग के सामने कर रहा हूँ, तो फ्रेम ड्रॉप वगैरह का आप देख सकते हैं, और एक दो दिन में हो सकता है मैं कैमरा टेस्टिंग का भी वीडियो आप लोग को डाल दूँ, टेंशन नहीं लीजिए। और ये गया, चलिए 1 किल अभी भी मिल चुका है, और गन भी हम AK-47 ले लिए हैं, उसको हटा के चलिए हेल्थ वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई वो ऐसा करेक्टर नहीं जिसमें आउट HP वगैरह हेल्थ वगैरह बढ़े। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे है ये भी गया, तो 2 किल इसमें भी मिल चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं गेम प्ले काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त ग्राफिक वगैरह है। फ्री फायर अगर आप रियली पूछिए तो इसी में खेलें, मज़ा ही आ रहा है, एकदम देखने में अच्छा है, और 695 प्रोसेसर है वो लगभग सही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि 5G में बेस्ट प्रोसेसर है, यदि आप लोग गेमिंग के पर्पज से नॉर्मल गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप लोग हैवी टास्क वगैरह के लिए लीजिएगा तो टास्क वगैरह दिक्कत नहीं, बट BGMI का आप सोचिएगा हाई ग्राफिक तो वह नहीं खुलेगा, BGMI आप लोगों का नॉर्मल पे ही खेल सकते हैं, अल्ट्रा में हाई या मैक्स इसमें नहीं खुलता है। तो ये मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ कि BGMI के लिए ले रहे हैं, तो ये इसकी थोड़ा सा देख लीजिएगा, नॉर्मल पे आप लोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 3-3 बंदा है एक साथ, अरे यार रिवाइव खुद हो जा रहा है, चलिए टोटल 3 को डैमेज किए हैं, और ये ग्रेनेड बाकी का काम कर देगा, हेल्थ बना लेते तो 3 हो गया। इस राउंड में भी 3 किल आ चुका है, अब देखते हैं एक मिलता है या टीममेट हिसाब बराबर कर लेता है तब तक, और हेल्थ बना लिया हो नहीं तो लास्ट में मुझे मरना नहीं है, अब विनर बना है तो जीत गया। चलिए तो अभी तक के हिसाब से ना ही फ्रंट में आपको ना बैक में कहीं भी आप लोग को हिटिंग इशू नहीं है फ़ोन के लिए, अभी तक से मैं यही कहूँगा फ़ोन 1 ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको बैक करके भी देख लेते हैं, फटाफट से बैक हो जाए यार, कितना किल आया है, तो 8 किल हमको मिल चुका है, 2-3 राउंड तक तो मेरा 0 ही था, सब सुपर हम ही हैं। तो ये आप लोगों का बेहतर मोबाइल रहता है तो बेहतर परफॉर्मेंस रहता है, वही चीज़ है। चलिए इसको बैक करते हैं, क्या सब उपयोग क्या रहा है, बैक हो जाए भाई, चलो बैक हो जाए। तो अभी तक हिसाब से फ्रंट कैमरा तरफ भी कोई हीटिंग नहीं है, ना ही बैक कैमरा तरफ, रियर कैमरा तरफ भी कोई हीटिंग नहीं है, ना ही नीचे के पोर्शन की तरफ है, ना ही चार्जिंग पोर्ट, डिस्प्ले, कहीं भी आप लोग का हीटिंग वगैरह का इशू नहीं है। तो फ़ोन ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो यदि थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये फ़ोन आप लोग खरीदना चाहते हैं तो अंडर 15,000 बेस्ट स्मार्टफोन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।